हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि आपके साथ में पढ़ने वाला एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा आज 8 लाख का, 6 लाख का पैकेज ले रहा है और जब आपके पैकेज की बात आती है तो आप 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 में आप पहली जॉब स्टार्ट करते हो और उसके बाद भी आप 2,000, 3,000 के अप्रेजल पे रुके रहते हो। ये सच होगी बात? आप भी इस बात को मानोगे? तो मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? इस पे हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जरा सोचिए, आपके साथ कंप्यूटर साइंस का पढ़ने वाला बच्चा, जो सब्जेक्ट इजी है, कंप्यूटर साइंस क्या है कंपेयर टू सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इजी है और उसमें वो 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख का पैकेज ले रहा है और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, आप टॉस और सोम जैसे बड़े सब्जेक्ट से लड़के आए हो, तो आपको पता है कि आप इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद अच्छे पैकेज क्यों नहीं गेट कर रहे हो। एक लोगों ने बोला कि एक बात तो मैं भी मानता हूँ, ये सच है कि एक सिविल इंजीनियर जैसे जैसे एक्सपीरियंस पाता है वैसे वैसे उसका पैकेज इंक्रीज होते जाता है, पर क्या जरूरी है कि 10 साल बाद ही वो पैकेज मिले जो पैकेज अभी मिलना चाहिए? अभी तो आपने देखा होगा कि कैसा डीमोनेटाइजेशन हो चुका है और उसके साथ आपने देखा हमारा जीडीपी भी कम हो चुका है, तो कुछ ज़्यादा ही सिविल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आ चुकी है। दोस्तों, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो और साथ ही साथ जो बच्चे इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं उनके लिए भी एक ट्रिक है कि क्या करें वो जिससे कि एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे से ज़्यादा पैकेज पा सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस वालों को इतना पैकेज मिलता क्यों है। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि उनको फर्स्ट ईयर में ही सी पढ़ा दिया जाता है, सेकेंड ईयर में ही उनको C++ से पढ़ा दिया जाता है, थर्ड ईयर में उनको जावा पढ़ा दिया जाता है, फाइनल ईयर में उनको .NET पढ़ा दिया जाता है। उनके पास नॉलेज हो चुका है जावा का, PHP का, .NET का, SQL का, टेस्टिंग का, सी का, C++ का। ये क्या है? ये उनकी स्किल्स हैं। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने जावा पढ़ा है, जावा बेसिक, जावा एडवांस पढ़ा है, हमने सी पढ़ा है, हमने SQL पढ़ा है, हमने पाइथन पढ़ा है। ये सब उनके डेली के सिलेबस में हैं। पर क्या आपके से उस सिलेबस में है जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, क्या उसको पूरी तरीके से हम साइट पर यूज करते हैं? क्या हम उसकी उसको पूरी तरीके से डिज़ाइनिंग में यूज करते हैं? मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी बुक के बारे में, पर मैंने कुछ बुक ऐसी पढ़ी हैं जिनमें एस्टिमेशन पढ़ाते समय ये बताया गया है कि पुराने टाइम में जो टाइल्स होते थे, जो सारे कलर्स को मिला के जो टाइल्स बनाए जाते थे जिसको प्लास्टर आप बोलते थे, उसका एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं? आप बताइए, क्या ये युग उस पुराने टाइल का है जिसमें सारे पत्थर को मिला के एस्टिमेट करते थे, या मार्बल और आपके जो नए टाइल्स के डिजाइन है उनका है? अभी लोग 3D में पढ़ रहे हैं और हमारा सिलेबस कहाँ है? 25 साल पुराना सिलेबस, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है उस सिलेबस पे। तो ये जो सिलेबस के साथ प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम लोग बहुत कम पैकेज पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग जाते हैं किसी कंपनी में दोस्तों, तो पूछते हैं व्हाट स्किल्स यू हैव, और आप बोलते हो आई डोंट हैव एनी स्किल्स, आई एम जस्ट पास आउट, रिसेंटली पास आउट इन 19 और 18। यही आंसर होता है ना? अदरवाइज कोई बोलता है सर आई हैव अ 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑन साइट, वो बोलते हैं क्या किया था आपने साइट पे, तो आप बोलते हो जो साइट के जो सारे काम थे, कितने ट्रक्स माल लाया, कितने ट्रक लगाया, कितनी ब्रिक्स आई, कितने सीमेंट आए, वो बोलते हैं ये इंजीनियर का काम है भाई साहब। नहीं, ये इंजीनियर का काम नहीं है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो अब
इस काम से हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को SQL, पाइथन, PHP, जावा, .NET, SQL, टेस्टिंग, ये सारी स्किल्स कॉलेज में पढ़ा दी जाती है, पर हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा है। तो कैसे करें कि हम उसको इंडस्ट्री में यूज कर सकें, इस पर हम लोग इस वीडियो में डीप में समझ लेंगे। सबसे पहला काम, अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कॉलेज में हो, तो पहले आप ध्यान से सुनो, आपको अपने सेकेंड ईयर से ही अपने टेक्निकल सॉफ्टवेयर के कोर्सेज स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे कि ऑटोकैड आप सेकेंड ईयर में सीख लो, सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में आप स्टेटप्रो सीख लो, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप ईटैप सीख लो, थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप रेविट सीख लो, फाइनल ईयर में आप एस्टिमेशन के MSP या प्राइमेरा सॉफ्टवेयर सीख लो, तो आपके पास आगे ना 5 से 6 स्किल, और आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ उनको बोल पाओगे कि आई हैव ऑटोकैड, स्टेटप्रो, ईटैप्स, रेविट, MSP सॉफ्टवेयर नॉलेज, या गुड टेक्निकल स्किल्स ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, बोल सकते हो। जब आप ऐसा बोलते हो तो कंपनी को ये लगता है कि अब ये बंदे को अगर हम पैसे देंगे, इस बंदे को अगर मैंने 4 लाख का पैकेज दिया, तो ये बंदा इतने सॉफ्टवेयर पे हमको काम करके देगा। और सोचो, कई लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है, आप में से ही कई लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है, कुछ लोग तो साइड पे जॉब भी कर चुके होंगे, लेकिन उनसे मैं बात करूँ कि व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव, तो बोलेंगे सर मैंने ऑटोकैड किया था पर कुछ याद नहीं है। समस्या है ना ये, तो इस समस्या से आप पार कैसे हो सकते हो? आप इस समस्या को पार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऑटोकैड को अच्छा करना पड़ेगा। ऑटोकैड जैसे ही आपका स्ट्रांग होता है, आप अगर स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो स्टेटप्रो सीखो, और अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो तो आप रेविट को सीखो। आपके पास ये स्किल्स अगर हो गई, लेकिन को जान ये ध्यान रखना कि आप कहीं पे भी जो सीख रहे हो उनका लेवल इंस्टीट्यूट वाला लेवल नहीं होना चाहिए, उनका लेवल कॉरपोरेट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि आपने सीखा तो है पर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम यहाँ है और आपका जो सीखना है वो यहाँ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप, वैसे तो मैंने भी काफ़ी कोशिश की है अपने चैनल पे कि आपको ढेर सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ आपके साथ, तो आप लोग पहले तो ऑटोकैड को अच्छे से सीखो। मैंने ऑटोकैड के काफ़ी ढेर सारे वीडियोस जो कॉरपोरेट लेवल के होते हैं मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप पहले समय निकाल के ऑटोकैड को अच्छे से सीखो। आई बटन पे आप क्लिक करके आप ऑटोकैड के सारे सीरीज मेरे डेट डालो। वैसे मैंने कंप्लीट ऑटोकैड नहीं किया है, कुछ सेशन बाकी हैं जो मैं रिसेंट जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे ही आपका ऑटोकैड ख़त्म होता है, आप स्टेट प्रो या रेबिट में से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे, जैसे स्टेट प्रो पे अगर आपको जानना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ और आई बटन पे भी लिंक है। स्टेट प्रो अगर आपने ऑटोकैड सीखा है तो डायरेक्ट स्टेट प्रो सीखना स्टार्ट करिए। एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, सर मैंने ऑटोकैड नहीं सीखा है, मेरे पास समय नहीं है, और मैं ऑटोकैड के जगह पर डायरेक्ट क्या स्टेट प्रो सीख सकता हूँ? तो मैंने बोला नहीं, पहले आप ऑटोकैड के बेसिक को जानो, क्योंकि जब तक आप ऑटोकैड में सेंटर लाइन निकालना नहीं सीखोगे, आप उसको स्टेट प्रो में इंपोर्ट कैसे करोगे? तो पहली समस्या आपके साथ यही हो जाएगी। सो प्लीज़ पहले ऑटोकैड का बेसिक जानो, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाओ। अब आपके पास अगर ऑटोकैड, ईटैप्स, स्टेट प्रो, रेबिट और MSP या प्राइमेरा का स्किल है, तो आप इजिली कंपनीज में जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि सर मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, किसका, कंक्रीट का, RCC का, और साथ ही साथ सोम का और मैकेनिक्स का भी, और इसके साथ मेरे साथ एक एडवांटेज है, बोलते हैं ना व्हाई शुड आई हायर यू, तो यू कैन से देम सर आई हैव अ गुड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ RCC, सोम, कंक्रीट एंड मैकेनिक्स, एज वेल एज आई एम एक्सपर्ट इन ऑटोकैड, स्टेट प्रो, रेविट और 3ds मैक्स और व्हाट एवर सॉफ्टवेयर यू नो।
तो दोस्तों जरूरत है आपको अपने अंदर टेक्निकल स्किल्स ऐड करने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल स्किल्स ऐड करें और ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को पा सकें, क्योंकि इस समय जॉब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एक सिविल इंजीनियर को साइट पे 10,000-15,000 रुपये पे 12-12, 14-14 घंटे खड़े होने पड़ रहे हैं। आपने इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की, आप अच्छे से जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो दोस्तों, और रिवाइज करके अपने अंदर टेक्निकल स्किल्स डालो और फिर देखना। आप बोलोगे सर इस समय तो कहीं पर जॉब ही नहीं निकल रही है। दोस्तों जॉब की प्रॉब्लम सिविल में इंडिया में है, यूएस में नहीं। आप बोलोगे मैं यूएस जाऊं सर, नहीं, इतनी ढेर सारी कंपनियां इंडिया में ही हैं जो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट लेती हैं और उन पे काम करती हैं, आप उन पे अप्लाई करो। डेफिनेटली अगर आपके अंदर डिजाइनिंग स्किल होगा, आप साइट पे तो नहीं हो सकता ना, साइट का काम आप यूएस का यहाँ पे कैसे करोगे, लेकिन आपके पास डिजाइन स्किल है, आपके पास एस्टिमेशन स्किल है, तो आप इंडिया में बैठ के अच्छे से यूएस के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने बताया था अपने एक प्रोजेक्ट पे कि किस तरह से आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप कैसे अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास डिजाइनिंग है। तो कोशिश करो आप यूएस बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करो, और अप्लाई करके उनको जब आप कवर लेटर के साथ, मैंने एक वीडियो बताया हुआ है, अगर आप मेरे डेली सब्सक्राइबर हैं और डेली अगर वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा, वैसे मैं आई बटन में फिर से लगा दे रहा हूँ, कि किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, चाहे स्ट्रक्चर का हो चाहे आर्किटेक्चर का हो, गलतियाँ क्या करती है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो आप अगर जॉब करना चाहते हो तो यूएस बेस, आप बहुत ढेर सारी कंपनियां तो यहाँ पे ऐसी हैं जो जर्मन की प्रोजेक्ट लेती हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां जो फ्रांस के प्रोजेक्ट लेती हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां जो चाइना के भी प्रोजेक्ट लेती हैं। तो आप इन प्रोजेक्ट इन कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट करो और डेफिनेटली वो सेलेक्ट करेंगे। और वो नहीं भी सेलेक्ट किए तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अपवर्क पे, fiverr.com पे अकाउंट बना के वहाँ पे बिडिंग करके अपने खुद के बिजनेस को कैसे सेटल कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा बस और बस यही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के खुद को बेरोजगार न रख के जॉब करना स्टार्ट कर दें, और एक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को बताएं कि नहीं, सिविल में भी अच्छे पैकेज होते हैं, ज़रूरत है सही गाइडेंस की। अगर आपको लगता है कि सर मुझे आपसे पर्सनली बात करना है तो मैं आप मुझे बताइएगा आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर ज़रूरी होगा तो मैं आपको कॉल करके आपसे बात करके आपको पर्सनल गाइड करूंगा कि किस तरह से आप सही जगह पे पहुंच सकते हो जिससे आपके करियर में ग्रोथ हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को कोशिश करना कि यार लाइक करना और साथ ही साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और आप तक इसलिए पहुँचते हैं जिससे आप अनएम्प्लॉयड मत रहो, क्योंकि आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, कहीं पे भी जॉब नहीं है। इस समय अगर आप में से किसी को भी जॉब मिल जाता है, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। सो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, और दोस्तों को बताना कि सर आकाश पांडे सर के पास सिविल इंजीनियरिंग का चाहे थियोरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, हर तरह के क्वेश्चंस के जवाब होते हैं। साथ ही साथ उनके चैनल पे आपको सारी चीज़ों के अच्छे गाइडेंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज, और इसी तरीके से बने रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए जिससे हम आपसे आगे भी मिलते रहें। जय हिंद।